नमस्कार छात्र मित्रों, सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडल संचली श्रावणलाल मोदी प्राथमिक विद्यालय यहाँ से मैं अध्यापिका श्रीमती टाले एपी आपके सामने कक्षा पाँचवीं का हिंदी विषय का पाठ क्रमांक 2 भाई भाई का प्रेम प्रस्तुत करने वाली हूँ। छात्रों, आज यहाँ पर हम भाई भाई का प्रेम इस पाठ के बारे में जानकारी देखेंगे। आज यहाँ पर हम पाठ का परिचय तथा पाठ का उद्देश्य और कहानी की सीख इन सब घटक पर अभ्यास करेंगे। छात्रों, यह पाठ हमें कहानी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ये कहानी दो भाई भाई के बीच में है। ये दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, तो इनके प्यार की कहानी हम यहाँ पर आज देखने वाले हैं। तो देखिए, मनोहरपुर नामक एक सुंदर गांव था। गांव की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी। अंततः गांव के अधिकांश लोग खेती किया करते थे। इसी मनोहरपुर में दो भाई रहते थे। दोनों किसान थे। उनके घर अलग अलग थे, पर दोनों में बड़ा प्रेम था। दोनों भाई हमेशा एक दूसरे की भलाई की बात सोचा करते थे। देखिए, ये जो कहानी है ये दो भाइयों के प्यार की है। जो दो भाई मनोहरपुर नाम के एक गांव में रहते थे और यहाँ की जो खेती थी वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ थी, जिसके कारण गांव के अधिकतर लोग खेती किया करते थे और यहीं पर ये दो भाई रहकर खेती किया करते थे। दोनों भी किसान थे। इनके घर अलग अलग थे, फिर भी इन दोनों में बहुत प्रेम था। ये दोनों भाई हमेशा एक दूसरे की भलाई के बारे में सोचा करते। इस वर्ष पूरे गांव में फसल अच्छी हुई थी। कटाई हो चुकी थी। खलिहान में सबके अनाज के ढेर लगे थे। एक दिन रात में बड़ा भाई लेटे लेटे सोचने लगा, मेरे दो बच्चे हैं। देखिए, एक बार क्या होता है कि फसल अच्छी आती है और फिर कटाई भी उसकी हो चुकी होती है। खलिहान में सबके अनाज के ढेर लगे हुए थे और एक दिन एक रात के समय बड़ा भाई लेटे लेटे सोचता है कि मेरे दो बच्चे हैं और वो मुझे खेत में सहायता करते हैं, घर गृहस्थी में हाथ बटाते हैं और खेत में काम करने के लिए भी मेरी मदद करते हैं। जैसे मेरे बच्चे मेरी सहायता करते हैं, लेकिन मेरे छोटे भाई के कोई बाल बच्चे नहीं हैं। उसे सारा काम अकेले ही संभालना पड़ता है, इसलिए मुझे उसकी सहायता करनी चाहिए। यह सोचकर वह उठा और खलिहान में गया। ये बड़ा भाई अपने छोटे भाई के बारे में सोचते हुए कहता है कि मेरे तो दो बच्चे हैं, वो मेरे खेत में मदद करते हैं, लेकिन मेरा जो छोटा भाई है उसके कोई बाल बच्चे नहीं है, जिसके कारण उसे खेत का पूरा काम अकेले ही करना पड़ता है। लेकिन मैं तो बड़ा भाई हूँ, इसलिए मुझे उसके बारे में सोचना चाहिए। ऐसे कहते हुए वो क्या करता है, खलिहान चला जाता है। खलिहान जाकर वहाँ पर क्या करता है, देखिए, खलिहान में अपने अनाज के ढेर से उसने 10 गठरी अनाज बांधा। उनमें से एक गठरी सिर पर रखकर छोटे भाई के ढेर की ओर बढ़ गया। ठीक उसी समय छोटा भाई भी अपने घर में बैठा सोचा करता था, मैं जवान हूँ, जितना चाहे उतना कमा सकता हूँ, काम कर सकता हूँ, जहाँ जाऊँ वहाँ काम कर सकता हूँ, मेहनत कर सकता हूँ। देखिए, तो जैसे ही बड़ा भाई अपने छोटे भाई के बारे में सोचते हुए खलिहान में चला जाता है और अनाज के ढेर में से एक गठरी अपने सिर पर रखते हुए छोटे भाई के ढेर की तरफ चला जाता है। उसी समय छोटा भाई भी अपने बड़े भाई के बारे में सोचता है। वो सोचता है कि मैं अभी जवान हूँ, जितना चाहे उतना काम कर सकता हूँ, लेकिन मेरे भाई के बाल बच्चे हैं। देखिए यहाँ पर किस प्रकार से दोनों भाई यहाँ पर एक दूसरे के बारे में सोचते हुए खलिहान में से एक एक गठरी उठाते हुए एक दूसरे के पास जा रहे हैं। तो छोटा भाई सोचता है कि मैं तो अकेला हूँ, अगर किसी कारणवश यदि खेती में फायदा भी नहीं हुआ तो कोई दूसरा काम कर लूँगा, मेरा तो कोई खर्च है नहीं। लेकिन मेरे भाई का अधिक है, इसलिए वो बाल बच्चे वाला है, इसके खर्च अधिक है, तो मैं क्या करता हूँ, उसकी सहायता करता हूँ।
वह भी उठ जाता है और खलिहान में जाता है। खलिहान में अपने अनाज के ढेर में से उसने भी 10 गठरियाँ बांध लेता है और उसके बाद उनमें से एक गठरी सिर पर उठाकर बड़े भाई के ढेर की ओर बढ़ता है। अंधेरी रात थी, हाथों को हाथ भी न दिखाई देता था। इसी वातावरण में दोनों भाई धीरे धीरे एक दूसरे के अनाज की ढेर की ओर बढ़ रहे थे। अचानक एक दूसरे से टकरा गए। दोनों चीख कर एक साथ बोले, कौन है? देखिए किस प्रकार से दोनों भाइयों का प्यार हमें इस कृति के माध्यम से समझ में आता है। दोनों भाई के एक दूसरे के बारे में सोचना, उनके परिवार के बारे में सोचना, हमें उन दोनों का प्यार यहाँ पर दर्शाता है। जिस प्रकार से बड़ा भाई अपने छोटे भाई के बारे में सोचता है, उसी प्रकार छोटा भाई भी सोचने लगता है कि मैं अकेला हूँ, मेरे बड़े भाई की गृहस्थी है, उसके बाल बच्चे हैं, उसे अनाज की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो मैं क्या कुछ भी काम कर सकता हूँ। ऐसे सोचते हुए दोनों भाई भी अपने अनाज से एक एक गठरी बांध कर एक दूसरे के खलिहान की तरफ बढ़ जाते हैं। अचानक रात को जैसे ही वो एक दूसरे के खेत की ओर निकलते हैं तो एक दूसरे से टकरा जाते हैं और फिर वो चौंक कर पूछते हैं कि वहाँ पर कौन है। जैसे ही वो एक दूसरे से टकरा जाते हैं और एक दूसरे से पूछते हुए कहते हैं कि वहाँ पर कौन है, तो उन्हें समझ में आता है कि वो दोनों भाई भाई थे। फिर दोनों को भी एक दूसरे के गठरी को देखकर समझ में आता है। बड़े भाई ने कहा, छोटे तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं है, खेती का सारा काम तुम्हें अकेले ही संभालना पड़ता है, तो तुम क्या करो, मैंने सोचा कि तुम्हारे पास अनाज अधिक होना तो अधिक दिन तक घर चलेगा, इसलिए मैं खलिहान से अनाज तुम्हारे ढेर में डालने जा रहा था। भैया आप बाल बच्चे वाले हैं, आपके खर्च अधिक है, आपको अधिक मात्रा में अनाज की आवश्यकता होती है, इसलिए मैं खलिहान से अनाज आपके ढेर में डालने जा रहा हूँ। बड़ा भाई कहता है कि तुम अकेले हो, तुम्हारी मदद करने के लिए कोई नहीं है, तो तुम्हारी मुझे फिक्र हो रही थी, इसकी वजह से मैं तुम्हारे ढेर में अनाज की एक गठरी डालने वाला था। उसी प्रकार छोटा भाई कहता है कि मैं भी आपकी मदद करना चाहता था, इसीलिए मैंने भी यहाँ पर एक गठरी डालने के लिए लेकर आया था। अपनी बातें कहते सुनते दोनों भाइयों की आंखें भर आई। दोनों रोते हुए एक दूसरे के गले लग गए। जैसे ही उन्हें एक दूसरे के बारे में पता चलता है तो वो रोने लगते हैं। उन्हें एक दूसरे का जो प्यार है वो समझ में आता है। दोनों भाइयों के प्रेम की यह कहानी आज भी लोग भाव विभोर होकर सुनने लगते हैं और सुनाने लगते हैं। मतलब इन दोनों के भाइयों का जो प्यार है वो सब लोग जानते हैं और सब लोग उसे देखकर आनंदित हो जाते हैं और इन भाइयों का प्रेम एक मिसाल बन जाता है। देखिए यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, सप्रेम यानी प्रेम, प्रेम भरा, विज्ञान ज्ञान ज्ञानी, प्रतिदिन दीन दैनिक, अदृश्य दृश्य दृश्यमान। मतलब यहाँ पर हमें उपसर्ग तथा प्रत्यय इन शब्दों की जानकारी दी गई है। उपसर्ग मतलब शब्द से आने वाला पूर्व शब्द, जैसे प्रेम सप्रेम, सप्रेम को यहाँ पर उपसर्ग कहा जाता है और प्रेम भरा ये यहाँ पर प्रत्यय है। इस प्रकार से आज हमने यहाँ पर देखा कि किस प्रकार से दोनों भाइयों के बीच में प्रेम था और इस कहानी के माध्यम से हमने यहाँ पर देखा कि किस प्रकार से कुटुंब के व्यक्तियों पर प्रेम करना चाहिए, परिवार पर प्यार करना चाहिए। इसके बाद हम हमारे अगले तासिका में हमारा पाठ क्रमांक 3 बालिका दिवस, इनकी जानकारी देखेंगे। थैंक यू।